हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 6 से 8 क्लास तक की वर्कशीट 42 लेकर आई हूँ, जिसमें कि बताया हुआ है कि बरसात आने से गर्मी में राहत मिलती है, हरियाली भी बढ़ जाती है, लेकिन बरसात से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे आसपास हमारे लिए खतरा बनकर सामने आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, और कबूतर, खुले टायर और कूलर, खुले टायर, टंकी पर भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? तो उसका आंसर है 543। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? बच्चों, ये क्वेश्चन तो एक ही है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। पहला क्वेश्चन भी सेम है और दूसरा भी सेम है। हो सकता है पहले में नाम पूछा हो बीमारी का और दूसरे में आंकड़े पूछे हो, इसलिए मैंने इसी तरह से लिख दिया इसका आंसर। पहले में लिखो खांसी जुकाम और दूसरे के आंसर में लिखो 543। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, मलेरिया के कितने मरीज हैं? तो मलेरिया के 122 मरीज हैं, आप टेबल में भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डायरिया और चिकनगुनिया के कितने मरीज हैं? तो उसके हैं 385 जमा 95, यानी कि 480। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, पहला पॉइंट है घर में या घर के बाहर पानी जमा ना होने दें। सेकंड पॉइंट है कूलर में या जमा हुए पानी में पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालें। तीसरा है पक्षियों के बर्तन में पानी ना भरने दें, या फिर पक्षियों के पानी वाले बर्तन को रोज़ साफ़ करें। खिड़की दरवाज़ों में पतली जाली लगवाएं ताकि घर में मच्छर ना आ सकें। पूरी बाजू की शर्ट पहनें। पीने के पानी में क्लोरीन की गोली डालें। बच्चों, ये सारे इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये आप कर लेना। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।